जी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आयुष्मान कार्ड, करोड़ों लोगों का आयुष्मान कार्ड बंद कर दिया गया है। क्यों ये बंद किया गया है वो भी बताएंगे भाई। इन सभी का आयुष्मान कार्ड बंद खत्म कर दिया गया है। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से पूरे भारतवर्ष के अंदर दिया जाता है। अब वो इलाज आपका बंद भाई, आयुष्मान कार्ड खत्म तो बंद आपका, तो आयुष्मान दिलाओ तो ऑटोमेटिक बंद। अपना आयुष्मान ऐसे चेक करना आपके ये होगा भाई मेरा तो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जबकि आपको ये नहीं पता कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो फर्जी तरीके से बनाया गया है, या तो आपको पता है आपने फर्जी तरीके से बनाया, या आपको पता ही नहीं कि आपका फर्जी तरीके से बनाया गया। अब इसकी पोल जब खुल रही है, जब जो है बच्चे लोग जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं वहां से वो कह रहे हैं भाई आपका तो आयुष्मान कार्ड वो है कैंसिल है, आपका तो आयुष्मान कार्ड जो है ही नहीं, तो तब इसका जो है भंडाफोड़ हो रहा है। भाइयों बहनों अपना आयुष्मान कार्ड इस तरह चेक कर लेना, मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा क्या कुछ मामला है। एचडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजनाओं, भारत के अंदर मोदी सरकार छोटे छोटे आदेश नए नियमों योजनाओं में बदलाव या कुछ भी ऐसा भारत के अंदर मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करता हूं। मेरे साथ में आप ये नहीं कह सकते मुझे धन चला योजना कब आय कब चला गया, ये आदेश कब आय कब चला गया, इस योजना में बदलाव कब हुआ कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी किया गया, इस योजना की लिस्ट कब जारी की गई, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब अपील करता है। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक मत्ता का प्रण देता है। भाई आज का जो जितना भी प्रिंटिंग मीडिया है उस प्रिंटिंग मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया फर्जी आयुष्मान कार्ड मामले में जांच कतराने से विभाग कतरा रहा है, विभाग जांच करने से कतरा रहा है। प्रदेश के पीछे से जो लाखों लोगों का आयुष्मान कार्ड बंद किया जा रहा है, करोड़ों लोगों के आयुष्मान कार्ड बंद कर दिए गए, लेकिन विभाग जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि विभाग की कमी के कारण ही ये जो आयुष्मान कार्ड है ये फर्जी तरीके से करोड़ों भारतवासियों के बने। इसमें फर्जीवाड़ा किस तरह हुआ ये आप देखो, यहां जो है 2 लाख एक ही जिले का यह डाटा है, 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड एक जिले के अंदर कैंसिल कर दिए गए, और ये तो इलाहाबाद का मामला है भाई, बहुत हाई सिटी है इलाहाबाद, 2 लाख से अधिक निरस्त हो गया, तो पूरे भारतवर्ष के अंदर करोड़ों की संख्या में आयुष्मान कार्ड जो है बंद हो गया, लेकिन विभाग इसका रीजन नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि विभाग की कमी है, चुपचाप कैंसिल कर रहा है। लोगों को कब पता लग रहा है, जब वो आयुष्मान कार्ड जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहां उनका आयुष्मान कार्ड फर्जी बताया जा रहा है, जबकि वो बहस करता है कि मैंने सीएससी से बनवाया, ओरिजिनल तरीके से बनाया, या तो आपको पता नहीं या आपने जानबूझ के बनवाया, इसके अंदर खेल क्या हो रहा है। मान लो जो है जैसे गांव का एक व्यक्ति है, ठीक है, आयुष्मान कार्ड गांव की लिस्ट डाउनलोड जाती है, अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम रमन है, ठीक है, या मेरा नाम राहुल है, और जो है साथियों अब मैं क्या देखूंगा, किसी भी गांव की अपने गांव की जो लिस्ट देख लूंगा, राहुल किसका बना हुआ आयुष्मान कार्ड, ठीक है, या किसी भी राहुल नाम का आयुष्मान कार्ड देख लूंगा, उसका राहुल का राहुल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, उस राहुल पर जब आयुष्मान कार्ड बनता है तो उस राहुल जो नाम है उस पे जो है जब ईकेवाईसी का ऑप्शन आता है वहां उस पर क्लिक करना होता है, वो दिखाऊंगा मैं आगे वीडियो में आपको मैं समझाता हूँ पूरा मामला, ये समझाता हूँ। वहां से दिक्कत यह है, अब कोई और राहुल है, लेकिन अगर राहुल है पूरे हिंदुस्तान में तो सब राहुल का आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, इतना इसमें लूप होल है, उस राहुल का आयुष्मान कार्ड जो है बन जाएगा, उस वो जो है उसको ईकेवाईसी वो कर देगा, ठीक है, वो उसका डाउनलोड कर देगा। इस तरह का फर्जीवाड़ा इसके अंदर चल रहा है, इसीलिए आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर भी बहुत बड़ा महाबदलाव इसके अंदर कर दिया गया है, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूं महाबदलाव क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये भाई आप देखो महाबदलाव यहां जो है, अब आपको चेक कैसे करना है, ये पीएमजेएवाई आईडी यहां रहता है आपका, ये चेक करना भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस जो पीएमजेएवाई आईडी है, आयुष्मान कार्ड प्रत्येक व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड पर लिखा हुआ होता है पीएमजेएवाई आईडी, तो यहां से आप इसको चेक कर पाएंगे इस आईडी से, आधार कार्ड से चेक नहीं होगा, आयुष्मान कार्ड नाम से चेक नहीं होगा, किससे होगा, इस पीएमजेएवाई आईडी से। अगर इसका शो हो रहा तो इसका मतलब यह आपका आयुष्मान कार्ड जनवन है, अगर ये नहीं शो हो रहा तो इसका मतलब आपका फर्जी है, वो भी हम दिखाएंगे कैसे चेक करना है। पहले यहाँ 5 ऑप्शन आपको मिलते थे, फैमिली आईडी, आधार नंबर, नेम, लोकेशन, रूरल, अर्बन, पीएमजेएवाईडी आईडी, ठीक है, जब आप आयुष्मान कार्ड बनाते हो या डाउनलोड करते हो। अब जो नया आयुष्मान कार्ड आया है, नया जो पोर्टल से बदलाव किया गया है, उसमें अब सिर्फ फैमिली आईडी, आधार नंबर, पीएमजेएवाई आईडी का ही ऑप्शन दिया गया है, चौथा कोई ऑप्शन, सारा लोकेशन, रूरल, अर्बन, क्योंकि दिक्कत जो गड़बड़ी हो रहा था अर्बन और रूरल के अंदर होता रहा था, यानी आप आयुष्मान कार्ड की लिस्ट किसी गांव की डाउनलोड कर लेते थे, मान लो राहुल नाम का है तो कोई भी राहुल नाम का मिल गया उस पर क्लिक कर दो, वो अपना जो है अपना फोटो कर लो, उसमें आपका फोटो उसके अंदर वो हो जाता था, फोटो स्कैन करो वो करो, तुरंत आपका जो है आयुष्मान कार्ड बन जाता था, ठीक है। राहुल कोई और है, आपने आयुष्मान कार्ड वो बना लिया, अब सीएससी वाले के पास देखना जी मेरा आयुष्मान कार्ड चेक करना, अब सीएससी वाला
आपको आपको नहीं बता रहा कि मैं किशोर राहुल का है, उसका आपका आयुष्मान कार्ड बना रहा हूं, आपका फोटो ले रहा, आपका आयुष्मान कार्ड आपके सामने निकाल के दे रहा है, लेकिन जब आप जाते हो ना वहां, तब आपको जो है पता लगता है कि भाई मेरा तो आयुष्मान कार्ड है ही नहीं, मेरा तो ये फर्जी बना दिया। आप इसको चेक कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। फर्जी वड़ा अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन सबसे मेन चीज है आप चेक कैसे करोगे, तो भाई इस पीएमजेएवाई आईडी से चेक करना है। मैं अभी ये दिखा देता हूँ आपको, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेनिफिशियरी पोर्टल आपको लिख देना है गूगल में, और उसके बाद आपके समक्ष जो beneficiary.nhi.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा, आपके समक्ष बार बार पीएमजेएवाई आ रहा होगा भाई, इसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है ना आपका, उस योजना का जो नाम है पीएमजेएवाई, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेनिफिशियरी पे इसे सेलेक्ट रहने देना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है, आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी टाइप करना है, फिर यहाँ कैप्चा कोड आएगा, देन आपको लॉग इन कर देना। ये आप देख सकते हो भाई, जैसे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे आपके पास ओटीपी चला जाएगा, कैप्चा कोड का ऑप्शन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये कैप्चा कोड फिल करके लो। दोस्तों जैसे आप इसके अंदर लॉग इन होंगे, ये आप देखो भाई, नेम रूरल अर्बन, यहाँ जो है यहाँ से सर्च बाई से, जैसे हम यहाँ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ ये इस योजना को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोज दैट हमारा स्टेट हरियाणा है या जो भी सेम ही है, सबसे की मैं पीएमजेएवाई सेलेक्ट करता हूं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपना डिस्ट्रिक्ट यहां से सेलेक्ट कर लेता है मान लो, यहां से सर्च बाई में जैसे आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन ही गायब, जो मैंने आपको दिखाए थे लोकेशन रूरल और अर्बन, अब तक यहाँ आ जाता है ग्रामीण और शहरी, और वहीं से ये खेला होता था ग्रामीण और शहरी, आप पूरे गांव का लिस्ट देख लेते थे, पूरा हिंदुस्तान का लिस्ट देख लेते थे, तो जो भी आपका नाम राशि होता था उस नाम राशि पे आपको क्लिक करना होता था, तुरंत आप जो अपना फोटो देते थे तुरंत आयुष्मान कार्ड बढ़ जाता था, ये सीएससी वाले खेल खेलते थे, तो वो ऑप्शन ही गायब कर दिए। अब जो है आप अपना आधार नंबर टाइप करो, आधार नंबर कर दो चाहे पीएमजेएवाई आईडी कर दो, जो आपके पास आयुष्मान कार्ड रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका बना हुआ होगा ओरिजिनल आयुष्मान कार्ड होगा तो आपका इस तरह दिख जाएगा, अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो इस तरह आपको दिखेगा, आप वो दिखाते हैं भाई, चैनल सब्सक्राइब करना आज जुड़कर प्लीज भाई। ये देखो जैसे आधार नंबर टाइप करो, आधार नंबर हमारे पास, यहाँ आधार नंबर सेलेक्ट किया, आधार नंबर आ गया, कैप्चा कोड फिल कर दिया, अब जो है कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर देना है। जैसे ये पीएमजेएवाई आईडी है, यहाँ हमने जो पीएमजेएवाई आईडी कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ सर्च बाई का ऑप्शन आएगा, तुरंत सर्च पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फैमिली का डाटा, आप अपना आधार नंबर डालिए पूरी फैमिली का आ जाता है, आप अपना फैमिली आईडी लगाइए पूरी का आ जाता है, ठीक है। आप अपना राशन कार्ड नंबर वो टाइप करिए पूरी फैमिली का आ जाता है, ठीक है। अगर आधार नंबर के बाद डालकर यहाँ आपका नाम दिख रहा है तो इसका मतलब आपका जेन्युइन है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आपका फ्रॉड है, फर्जी है, फर्जी है। तो यही तरीका चेक करने का, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील है, बहुत